हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको लंग्स मतलब फेफड़ा के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आपने ह्यूमन बॉडी पर एक वीडियो देखा था, उसके जो कुछ पार्ट थे, ठीक है, जैसे कि हृदय, हार्ट, सॉरी हृदय, फेफड़ा, ठीक है, आई, इस तरीके से बहुत सारे जितने भी पार्ट हैं, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको पूरा पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। जैसा कि आपका ये देख रहे हैं आप लंग्स फेफड़ा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फेफड़े की संरचना और उसके कार्य, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेफड़े, ठीक है, फेफड़ा हमारा शरीर का क्या यूज है, उसका कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि गाइस देखिए आप यहाँ पे दिया है, फेफड़े छाती में स्पंज की तरह शंकु के आकार के अंगों की एक जोड़ी है। यह हमारे श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है। जैसा कि बाया फेफड़ा आकार में छोटा होता है, क्योंकि हृदय बाई तरफ जगह लेता है, और बाएं फेफड़े में दो भाग पॉली होते हैं, और दाएं फेफड़े में क्या होता है गाइस, दाएं फेफड़े में जो हमारा होता है उसमें तीन पॉली होते हैं, और फेफड़े में एक पतले आवरण से ढके होते हैं, जिसे परिफुसफुस या प्लूरा कहा जाता है। ओके गाइस, जो सांस लेते और छोड़ते समय फेफड़ों की मदद करते हैं, और एक पतली गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है जो फेफड़े के नीचे होती है, जो पेट से छाती की ओर अलग करती है, इसे डायाफ्राम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को नोटेड करिए गाइस, कि जो पेट के छाती को अलग करती है इसे डायाफ्राम कहते हैं। ये इसे आप नोटेड देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि सांस लेने के दौरान डायाफ्राम ऊपर और नीचे की ओर आता है, और फेफड़ों में से हवा अंदर और बाहर करता है। मतलब कि जो हमारा डायाफ्राम होता है वो सांस लेने के दौरान डायाफ्राम ऊपर नीचे की ओर आता है, और फेफड़ों में से हवा अंदर की ओर बाहर की ओर करता है। ओके गाइस, दूसरी चीजें अब बात करते हैं कि फेफड़े का कार्य क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फेफड़े का कार्य क्या होता है। देखिए गाइस, फेफड़ा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, सांस लेना, रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सांस द्वारा बाहर छोड़ देती है। ये हमारे लंग्स का यूज या मतलब कार्य हुआ। दूसरी चीज है गाइस, श्वसन नली दो भागों में विभाजित होकर दाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है, और प्रत्येक फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्स ट्यूबों में मध्यमिक ब्रकाई में विभाजित हो जाती है, और ये मध्यमिक ब्रकाई आगे विभाजित होकर ब्रैकियोल्स बनाते हैं, और ब्रैकियोल्स जो हमारा होता है वो अंत में एयर बैग होते हैं, जिन्हें एल्वियोई कहते हैं। इन एल्वियोई से कई रक्त कोशिकाएं गुजरती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ओके गाइस, जैसा कि हमारा फेफड़ा आप इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बाया फेफड़ा है और ये हमारा दाया फेफड़ा है। देख लीजिए गाइस, इस तरीके का डायग्राम बनाओ। तो गाइस देखिए, हम बहुत लंबा चीजें तो नहीं बताएं आपको, बहुत बड़े टॉपिक तो नहीं बताएं, लेकिन लंग्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसा कि हमारा फेफड़ा कुछ इस तरीके से बना होता है गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा फेफड़ा है और कुछ इस तरीके से बना होता है। जैसा कि ये हमारा देखिए गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये दाहिना, ठीक है, ये दाहिना है और ये बायां है। ये दाहिना श्वसन करता है और ये बायां से श्वसन करता है, और ये हमारा फुसफुस का आवरण है। फुसफुस का आवरण मतलब ये कि जहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है, और ये वायु कोश की नलिकाएं हैं जो ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है। ओके गाइस, चलिए मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और दिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिया है ट्रेकिया, सांस की नली है। ये सांस की नली है जहाँ से ब्लड निकल कर जाता है, ठीक है, ये क्या है, सांस की नली। ओके गाइस, दूसरी चीज है गाइस, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आपको, कि जो हमारा फेफड़ा होता है वो बहुत ही हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मैंने आपको लंग्स के बारे में बता दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।